सन 1947 से पूर्व हमारे भारत देश में कई सारी छोटी बड़ी रियासतें थी, पर क्या आप जानते हैं कि गुजरात की बड़ौदा रियासत भारत के सबसे अमीर और सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस रियासत के राजा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय दुनिया के 8वें और भारत के सबसे अमीर हिंदू राजा थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में बड़ौदा रियासत का काया पालट कर दिया और आधुनिक भारत बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हम इन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन दोस्तों आज का यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों से परिपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। गुजरात के गायकवाड़ राजवंश की स्थापना सन 1721 में वीर मराठा योद्धा पिलाजीराव गायकवाड़ इन्होंने की थी। मराठा सरसेनापति खंडेराव दाभाड़े उन्हीं के साथ मिलकर पिलाजीराव गायकवाड़ इन्होंने गुजरात के बड़ौदा, सूरत, डबई जैसे अनेक प्रांतों पर सफलतापूर्वक जीत हासिल करके गुजरात से दिल्ली का मुगल साम्राज्य उखाड़ कर फेंक दिया था और धीरे धीरे करके लगभग पूरे गुजरात राज्य पर मराठा साम्राज्य के पवित्र भगवे ध्वज को फैला दिया था। महाराज पिलाजीराव गायकवाड़ उनके मृत्यु के बाद गायकवाड़ वंश में महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय सबसे महान और सबसे लोकप्रिय शासक हुए, जिनका जन्म 11 मार्च 1863 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित कौलाने गांव में हुआ, जिन्होंने अपने शासन काल में बड़ौदा राज्य को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया और बड़ौदा राज्य का बहुत सारा विकास किया। जैसे उन्होंने उस समय सन 1890 में बड़ौदा राज्य में लक्ष्मी विलास पैलेस का निर्माण करवाया। इस पैलेस का क्षेत्रफल लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ था। जब यह पैलेस बनके तैयार हुआ था तब यह दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा निजी पैलेस था, जो लंदन के बैंकिंगहम पैलेस से 4 गुना ज्यादा बड़ा था। इस महल में जो कुआं है उस कुएं की सीढ़ियां बनाने के लिए राजा ने उस समय 9 लाख सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया था और इस महल के बच्चों को स्कूल जाने के लिए राजा ने एक निजी ट्रेन भी शुरू की थी। यह भारत का पहला एकमात्र ऐसा महल था जिसमें पहली बार लिफ्ट का उपयोग किया गया था। और इसी के साथ इस पैलेस में उस समय के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा उनके द्वारा बनाई गई सारी पेंटिंगें मौजूद हैं, जिसकी एक पेंटिंग की कीमत आज के टाइम करोड़ों रुपए में है। इस पैलेस को आज भी गुजरात राज्य के पर्यटन स्थलों की टॉप सूची में शामिल किया जाता है। और इसी के साथ 150 एकड़ में फैला हुआ मकरपुरा पैलेस, जिसे राजा शिकार के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा नजरबाग पैलेस, शिव महल पैलेस, इंदुमती पैलेस, प्रताप विलास पैलेस, सरकारवाड़ा पैलेस, मोतीबाग पैलेस जैसे अनेक सुंदर और भव्य महलों का निर्माण गायकवाड़ वंश के राजाओं ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको विदेश भेजने वाले, उनका खाने पीने से लेकर सभी खर्चा उठाने वाले दूसरे तीसरे कोई और नहीं बल्कि मराठा राजा सयाजीराव गायकवाड़ ही थे। उन्होंने उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विदेश पढ़ाई पर 25,742 रुपए खर्च किए थे, जिसकी कीमत आज के समय में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा है। और अमेरिका में पढ़ाई पूरी होने के बाद महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बड़ौदा राज्य में एक अच्छे पद पर नौकरी के लिए भी रखा था। जब महाराज सयाजीराव गायकवाड़ का निधन हुआ तब सन 1939 के जनता अखबार के मृत्यु लेख में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं, महाराज सयाजीराव गायकवाड़ का निधन होना यह मेरी निजी बहुत बड़ी हानि है। उनके एहसान को मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ का पिछड़ी जाति पर एक बहुत बड़ा एहसान रहा है। दादा भाई नवरोजी, जैसे कि आप यह बात तो जानते ही होंगे कि दादा भाई नवरोजी ब्रिटेन के संसद में चुनकर आने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे, पर क्या आप जानते हैं कि इससे पहले दादा भाई नवरोजी महाराज सयाजीराव गायकवाड़ इनके यहाँ दीवान के तौर पर काम करते थे और यही से उन्होंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की थी। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव हो रहे थे, तब चुनाव लड़ने के लिए दादा भाई नवरोजी को पैसों की काफी जरूरत थी। तब उस वक्त सयाजीराव गायकवाड़ इन्होंने 15,000 रुपए की धनराशि देकर उनकी सहायता की थी, जिसे दादा भाई नवरोजी ब्रिटेन के संसद में चुनकर आने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के, जिनके नाम पर भारत देश का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार दिया जाता है,
सिनेमा क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान देने वाले व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को पाने के लिए कलाकारों की अपनी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, परंतु दादा साहेब फाल्के को इस मुकाम तक पहुंचाने में महाराज साइजराव गायकवाड़ तृतीय इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि सन 1990 में महाराज साइजराव गायकवाड़ इन्होंने अपने राज्य बड़ौदा में कलाकारों के लिए कला भवन का निर्माण करवाया और इसी कला भवन में दादा साहेब फाल्के ने चित्रकला, छायाचित्र और फोटोग्राफी की शिक्षा ली और इसी के साथ महाराज साइजराव गायकवाड़ ने दादा साहेब फाल्के को फिल्म बनाने के लिए जर्मन से एक बहुत ही सुंदर कैमरा खरीद के दिया और दादा साहेब फाल्के को फिल्म बनाने की आगे की शिक्षा प्राप्त हो इसीलिए उन्हें स्कॉलरशिप देकर लंदन में भेजा, जिसके बाद 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र यह फिल्म भारत देश की सबसे पहली फिल्म बनी जिसे दादा साहेब फाल्के ने ही बनवाया था। जमशेदजी टाटा। दोस्तों, टाटा कंपनी जो दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में अपना बिजनेस चलाती है और 150 से भी ज्यादा देशों में अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को निर्यात करती है। टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा व्यापारी औद्योगिक समूह है, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग कार्यरत है और जिनके वर्तमान अध्यक्ष है श्री रतन जी टाटा। लेकिन बहुत से लोगों को यह बात पता ही नहीं कि टाटा कंपनी को खड़ा करने में महाराज साइजराव गायकवाड़ का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जमशेदजी टाटा जो टाटा कंपनी के संस्थापक है उनका जन्म सन 1839 को गुजरात के नवसारी जिले में हुआ था और उस वक्त नवसारी जिला बड़ौदा राज्य के अंतर्गत आता था और वहां के राजा थे महाराज साइजराव गायकवाड़। जब जमशेदजी टाटा अपना व्यापार शुरू करना चाहते थे तब एक भारतीय व्यापारी होने के कारण उन्हें अंग्रेजों ने काफी परेशान किया, उनको आर्थिक मदद की जरूरत थी तब अंग्रेजों ने उन्हें कोई भी आर्थिक मदद होने नहीं दी। तभी उसी दौरान महाराज साइजराव गायकवाड़ निर्भयता से जमशेदजी टाटा के साथ खड़े रहे, जिसकी वजह से जमशेदजी टाटा को अपना व्यापार शुरू करने में बहुत आसानी हुई। और इतना ही नहीं, महाराज साइजराव गायकवाड़ ने टाटा आर्यन एंड स्टील की फैक्ट्री के निर्माण के लिए जमशेद टाटा को धनराशि देकर उनकी सहायता की। समुन्दर के किनारे द्वारका बेट के पास टाटा केमिकल्स की फैक्ट्री के लिए अपनी जमीन दान दी। टाटा केमिकल्स, टाटा सन्स ऑफ लिमिटेड, टाटा पावर जैसी कंपनियों में करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके उनके शेयर खरीदे, जिनकी वजह से जमशेदजी टाटा को बहुत ही बड़ी मदद हुई। इसके अलावा टाटा स्मारक फंड को 2000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि भी दी। उस वक्त ऐसा नियम था कि रेलवे के लिए अगर कोयला चाहिए तो ब्रिटिश कंपनियों से ही लेना पड़ता था, परंतु महाराज साइजराव गायकवाड़ ने ब्रिटिशों के इस बात को खारिज कर दिया और टाटा कंपनी से कोयला खरीदने का आदेश जारी किया, जिससे हमें जमशेदजी टाटा और महाराज साइजराव गायकवाड़ के बीच घनिष्ठ मित्रता देखने को मिलती है। जब महाराज साइजराव गायकवाड़ विदेश की यात्रा से वापस आते थे तब मुंबई में उनके स्वागत के लिए जमशेदजी टाटा खुद वहां पर उपस्थित रहते थे। क्योंकर बापूजी तलपड़े। अगर किसी से पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज की खोज किसने की थी तो उनका जवाब होगा राइट ब्रदर्स। परंतु राइट ब्रदर्स के 8 साल पहले हमारे भारत देश में सन 1895 को शिवकर बापूजी तलपड़े नामक व्यक्ति ने मुंबई के चौपाटी के नजदीक सार्वजनिक तौर पर हवाई जहाज को उड़ाया था, परंतु हवाई जहाज के प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए शिवकर बापूजी तलपड़े को बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत थी। तब वह बड़ौदा गए और महाराज साइजराव गायकवाड़ से मदद मांगी। महाराज साइजराव गायकवाड़ ने तुरंत मंजूरी देकर उस प्रोजेक्ट के सारे खर्चे उठाए। सन 1895 में बना मारुत सखा नाम का यह हवाई जहाज दुनिया का पहला हवाई जहाज था, जिसे महाराज साइजराव गायकवाड़ और स्वतंत्र सेनानी महादेव गोविंद रानेड़े जी के उपस्थिति में उड़ाया गया था। इस घटना पर आधारित बॉलीवुड में हवाई जादा नाम की एक मूवी भी बन चुकी है, जिसमें अंशुमन खुराना, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी शारदा जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है। भारतीय समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने भारत में पहली बार महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खुले किए। महात्मा ज्योतिबा फुले को महाराज सयाजीराव ने शेतकऱ्यांचा असूड इस किताब का प्रकाशन करने के लिए आर्थिक मदद की और महाराज सयाजीराव के आह्वान पर ही महात्मा ज्योतिबा फुले को महात्मा इस पदवी से सम्मानित किया गया। और महात्मा ज्योतिबा फुले जब बीमार थे तब अपने दीवान धमनस्कर जी के हाथों धनराशि देकर उन्हें सहायता की। सन 1890 को जब महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन हुआ तब उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले इनको 1000 रुपए का चेक देकर उनकी आर्थिक मदद की और इनके अलावा सावित्रीबाई फुले और उनके दत्तक पुत्र यशवंतराव फुले को 20 रुपए प्रति माह पेंशन शुरू की।
महात्मा गांधी। एक बार महात्मा गांधी और महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के बीच मुलाकात तय हुई, जिसमें साबरमती से लक्ष्मी विलास तक के गुप्त सफर की व्यवस्था महाराज ने की थी। जब महात्मा गांधी लक्ष्मी विलास पैलेस के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और चर्चा के लिए उन्हें महल में ले गए। महाराज सयाजीराव ने महात्मा गांधी को आसन पर बैठने की विनंती की, परंतु गांधी जी ने कहा कि महाराज के सामने कुर्सी पर बैठना मुझे शोभा नहीं देता। यह बात कहकर महात्मा गांधी नीचे जमीन पर बैठ गए, जिसके बाद महाराज सयाजीराव गायकवाड़ भी महात्मा गांधी के साथ चर्चा के लिए नीचे बैठ गए थे। जिससे हमें एक बात पता चलती है कि आम लोगों से लेकर स्वतंत्र सेनानी तक हर कोई व्यक्ति महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के प्रति कितना आदर भाव रखते थे। और इसके अलावा महात्मा गांधी को पुणे करार, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह और 1908 में दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक मदद भेजकर महाराज सयाजीराव ने महात्मा गांधी को अनेकों बार मदद की है। लोकमान्य तिलक, भारतीय स्वतंत्र सेनानी बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारी भारतीय अशांति के पिता भी कहते हैं, जिन्होंने केसरी और मराठा इस अखबार के माध्यम से ब्रिटिशों को ललकारा और चेतावनी भी दी, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। परंतु इस केसरी और मराठा अखबार को शुरू करने के लिए महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने पुणे का खुद का गायकवाड़ राजवाड़ा बाल गंगाधर तिलक जी को भेंट में दिया, जिसे आज पुणे में लोकमान्य तिलक जी का केसरीवाड़ा इस नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्र सेनानी अरविंद घोष, जो पेशे से एक क्रांतिकारी कवि, प्रकांड विद्वान और महान योगी थे, जिनके आह्वान पर हजारों बंगाली युवकों ने देश के स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। 1882 को युवा क्रांतिकारी अरविंद घोष और महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के बीच लंदन में मुलाकात हुई थी। अरविंद घोष ICS की परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके थे, परंतु घोड़े की सवारी न आने के कारण ब्रिटिश प्रशासकीय अधिकारियों ने उन्हें नौकरी से नकार दिया। तो उनके कुछ साल बाद महाराज सयाजीराव ने अरविंद घोष को बड़ौदा राज्य में आने का निमंत्रण दिया। महाराज के निमंत्रण पर 1893 को अरविंद घोष बड़ौदा में आए, जहाँ पर उनके खाने पीने से लेकर रहने तक की सारी व्यवस्थाएं की गई। अरविंद घोष जी को महाराज सयाजीराव गायकवाड़ का स्वभाव काफी पसंद आया, इसीलिए अपने जीवन के 12 साल उन्होंने बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ नौकरी में बिताए। महाराज सयाजीराव अरविंद घोष जी को उनके हर कार्य में मदद करते थे। महाराज सयाजीराव ने न जाने ऐसे कितने स्वतंत्र सेनानी, समाज सुधारक, लेखक, कवि, कलाकार, संशोधनकर्ता, पॉलिटिशियन को मदद करके उन्हें एक नई दिशा दिखाई और उन्हें बड़े मुकाम तक पहुंचाया। ऐसे ही बहुत सारे नामों की लिस्ट जो बहुत लंबी है, जिसे इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं, फिर भी हमने यह छोटा सा प्रयास किया है। उस समय भारत में 500 से भी ज्यादा रियासतें थी, परंतु स्वतंत्र सेनानियों को मदद करने वाले और उनके साथ खड़े रहने वाले महाराज सयाजीराव गायकवाड़ भारत के एकमात्र राजा थे। महाराज सयाजीराव ने अपने शासन काल में बनाए गए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर, लाइब्रेरी, स्पोर्ट क्लब, बड़ौदा सेंट्रल जेल, पानी के तालाब, 113 एकड़ में फैला बगीचा, वाटर पार्क जैसे अनेक सुंदर वास्तु और भवनों का निर्माण किया, जिसे घूमते घूमते शायद एक महीना भी कम पड़ जाए। इसके अलावा महाराज सयाजीराव ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मुंबई की ताज होटल, मराठा विद्या प्रचारक मंडल नाशिक, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे, विश्व भारती शांति निकेतन कोलकाता, इंडियन कॉलेज अलीगढ़, ग्रेट मेडिकल कॉलेज मुंबई, फर्गुसन कॉलेज पुणे, शनिवार वाड़ा जीर्णोद्धार जैसे अनेक संस्थाओं को उस समय करोड़ों रुपए देकर उनकी मदद की। लेकिन आज भी बहुत से लोग इनके इतिहास से अपरिचित है, इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय शिवराय, जय शिवराय।